हजारीबाग के सीसामो टोला मंदनपुर आदिवासी बहुल गांव में संथाल आदिवासी निवास करते हैं। 30 जंगली हाथियों के झुंड के द्वारा पिछले शुक्रवार रात को उनके 5 घरों को तोड़फोड़ कर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। इस टोले में मात्र 11 ही घर हैं। ऐसे में जिन घरों को तोड़ा गया उन घरों में लगभग 4 क्विंटल चावल, 6 क्विंटल धान और कुल मिलाकर 10 क्विंटल और अधिक अनाज का नुकसान हुआ है। ऐसे में इस गांव में ग्रामीणों के सहयोग के लिए कोई भी सरकारी विभाग नहीं पहुंचा है, ना ही तो वन विभाग के वन रक्षी फॉरेस्टर रेंजर यहां पहुंचे हैं। समाज सेवी JBKSS के सक्रिय सदस्यों ने घटना की सूद लेने के लिए गांव पहुंचे और वहां लोगों के बीच अनाज का वितरण किया। उन्हें पंचायत के समाज सेवी दिनेश महतो ने ग्रामीणों को कहा है कि आप लोगों को हर संभव मदद का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान सक्रिय सदस्यों में किशोर कुमार, चंद्रेश्वर महतो, दिनेश महतो, विपिन महतो, बालचंद्र महतो, अर्जुन महतो, प्रकाश महतो आदि उपस्थित रहे। तभी सुतो ही कहाँ? कॉलोनी ना मिला लो, कॉलोनी मिला ना लो। मिला रहा नहीं तो ही एक बेटवा हूँ ये रोहित पर भी कॉलोनी बनाए लेंगे से काम। अच्छा। और मंजिल रहता ही है रोहित। वो घर में कॉलोनी में रोहित ही तन हम रोहित। अच्छा। के बजे आलो थे ये कुछ? हाँ थे के बजे आलो? 8 बजे रात। 8 बजे रात फिर गए लो के बजे? छोटे छोटे वहाँ नहा रहे तो कोई उधर बाहर से कुछ डालो अभी तो कुछ डालो कुछ पटेल घर में अपने गिरे लिए पूछना चाहिए घर में अपने गिर गए चारवा महंगा आल की खानवा अनाज हम जान के फेंकल जेबे कैसे कौन बोलो लो इतरो छुटकी देवी बेटवा के प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।